नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ऐसे एस्टेरॉयड की खोज की है जो लगभग 75,639 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इससे सतह पर एक मील लंबा गड्ढा बन सकता है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 MO1 है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये एस्टेरॉयड 3 जुलाई 2059 को धरती से टकरा सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने डेटा का अध्ययन कर बताया कि इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 230 फीट का है। ये एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा एक लंबी कक्षा में कर रहा है जो मंगल ग्रह तक फैला हुआ है। माना जा रहा है कि एस्टेरॉयड धरती से 75,639 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकरा सकता है, जिससे बड़ी संख्या में ऊर्जा निकलेगी जो आसपास कुछ किलोमीटर की परिधि में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना वैसे कम है, क्योंकि संभव है कि बाहरी कारकों के कारण ये एस्टेरॉयड खुद ही अपना रास्ता बदल ले या सूर्य के पास से गुजरते समय चुंबकीय प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनकी पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 29075 जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज्यादा है और एक समय में माना जाता था कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। 2020 से 2025 के बीच 2018 BPI-1 नाम एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना है, लेकिन ये सिर्फ 7 फीट चौड़ा है। इससे बड़ा 177 फीट का एस्टेरॉयड 2005 ED-225 साल 2023 से साल 2064 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।